सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीकली वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं इंडियन डिस्कवरी 92 में। जैसे हर घर के अपने अपने नियम होते हैं, वैसे ही हर देश के अपने अपने कानून होते हैं, पर सच्चाई यह है कि हम में से बहुत सारे लोगों को भारत के ऐसे कानूनों के बारे में पता नहीं है जिनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज हम आपको ऐसे ही कानूनों के बारे में बताने जा रहे हैं। मोटर वाहन एक्ट 1988 के सेक्शन 185 और 202 के तहत ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30 mg से ज्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस एक्ट 1861 के अनुसार एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहना हो या नहीं। यदि आप उस अधिकारी से शिकायत करेंगे तो वह आपको यह नहीं कह सकता कि वो ड्यूटी पर नहीं है, इसलिए आपकी मदद नहीं करेगा। मैटरनिटी लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती। ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत टैक्स उल्लंघन के मामले में इनकम टैक्स ऑफिसर आपको गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। टैक्स कमिश्नर ही यह फैसला कर सकता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रखा जाए। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 के तहत ट्रैफिक पुलिस द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालना गैर कानूनी है। इसके लिए आप कांस्टेबल या अधिकारी के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी के अनुसार यदि खाना बनाते समय आपका गैस सिलेंडर फट जाए तो आप जान और माल के नुकसान की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक का बीमा क्लेम कर सकते हैं। विदेशी अंशदान नियम अधिनियम 2010 के तहत यदि आप किसी कंपनी से किसी त्योहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह रिश्वत की श्रेणी में आता है, इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 की धारा 14 के अनुसार यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिए जबरन मकान खाली नहीं करवा सकता। भारतीय दंड संहिता 166A के तहत कोई भी पुलिस ऑफिसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकता। यदि कोई पुलिस ऑफिसर FIR लिखने से मना करता है तो उस ऑफिसर को 6 महीने से लेकर साल भर तक की सजा हो सकती है। यदि आपने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और कंपनी आपको आपके काम का पैसा नहीं दे रही तो आप 3 साल के अंदर कंपनी की शिकायत कर सकते हैं। यदि 3 साल के बाद आप कंप्लेन करेंगे तो आपका केस डिसमिस हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम उम्मीद करते हैं कि इन कानून की जानकारी होने के बाद आप जब भी इस कानून से जुड़े मामलों में फंसेंगे तो आप इन कानूनों की मदद जरूर लेंगे।